से ये मास्टर साहब भी दुनिया के किस कोने में रहते हैं? देखें तो जरा, चारों तरफ अंधेरा है। यहाँ तो यकीनन जंगली जानवर भी होंगे अरसम। ऐसे क्या पता मास्टर साहब को किसी जंगली जानवर ने खा लिया हो। और आपने यहाँ गाड़ी क्यों रोकी हुई है? कुछ नजर ही नहीं आ रहा, इतना अंधेरा है, गाड़ी तो चलाएं। पेट्रोल खत्म हो गया। क्या, पेट्रोल खत्म हो गया? तो हम यहाँ अकेले अंधेरे में बगैर पेट्रोल की गाड़ी में बैठे हैं? हाँ। तो अब क्या होगा? मुझे नहीं पता क्या होगा यार। क्या मतलब मुझे नहीं पता? अल्लाह ना करे, मुझे तो लगता है जो होगा बुरा ही होगा। लेकिन हमें सिचुएशन से निकलने की कोई कोशिश तो करनी चाहिए। आप वैसे अजीब हैं, हाथ पे हाथ रख के बैठे। एक काम करें, मास्टर साहब को कॉल करें। हाँ परी, मेरे पास फोन नहीं है। और तुम क्यों नहीं फोन कर रही हो मास्टर साहब को? वो मैं भी गलती से अपना फोन घर भूल आई हूँ। माशाल्लाह, इसकी कमी थी। आहिस्ता बात करें, जहाँ किसी दरिंदे ने सुन लिया ना, उल्टा लेने के देने पड़ जाएंगे। वैसे एक बात बताएं मुझे, आप खुद को तो बहुत इंटेलिजेंट और जीनियस समझते हैं, तो आज पेट्रोल और फोन के बगैर कैसे आ गए? तुम्हारी सोबत का असर हो गया ना मेरे ऊपर भी। वैसे भी यार तुम बातें कम करो, मुझे कॉन्सेंट्रेट करने दो, इस मसले का कोई सलूशन निकालें। वहाँ फंक्शन पे सब इतना एंजॉय कर रहे होंगे, इतनी रौनक लगी होगी, और मैं यहाँ गाड़ी में कैद होके रह गई हूँ। नहीं तो तुम रिहा कर लो अपने आप को, बाहर निकलो, जाके एंजॉय करो। हाय अल्लाह, शेर, शेर आ गया, शेर। आंखें खोलो, शेर तुमसे मिलने के लिए आए हैं। ये मौका शायद दोबारा उनको ना मिले। ये तो डॉगीज हैं। बस शेरों से थोड़े से ही छोटे। मेरा भी वैसे यही ख्याल था, आप भी खामखा ही घबरा रहे थे। वैसे वहां ना कुछ मकान नजर आ रहे हैं, मुझे लगता है मास्टर साहब का घर वहीं होगा। आप उतर के देख लें। हाँ। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? तुमने तो कहा है कि उधर जाऊं जाके देखूं, मास्टर साहब का घर इसी तरह मिलेगा ना। अरे छोड़े उसको, जो मैंने कहा था, आप प्लीज मत उतरे। देखिए बहुत अंधेरा हो रहा है, और देखिए अरसम, असल बात यह है, मैं किसी जंगली जानवर के मुंह से लटका हुआ नहीं देख सकती आपको। प्लीज दरवाजा बंद करते हैं। यहाँ पर कोई जंगली जानवर नहीं होगा परी, अलबत्ता चुड़ैलें जरूर हैं। क्या चीज हो यार तुम। थैंक यू।